ആദ്യം ദാന വരുമെന്ന് സിക്കാമി धम्मपद गाथा कथा नंबर 128 या 128। कथा इस प्रकार है कि एक सुप्त बुद्ध होते हैं, सुप्त बुद्ध रिश्ते में बुद्ध के मामा लगते हैं। वो बुद्ध को नहीं समझते कुछ भी। बताते हैं कि एक बार जब बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ जा रहे थे तो उन्होंने बुद्ध का रास्ता रोक दिया और बुद्ध ने अपना रास्ता बदल लिया। कुछ लोग कहते हैं कि फिर बुद्ध ने उनसे कहा कि ये सातवें दिन मर जाएगा। कहानी है, कहानी बता रहा हूं आपको, क्योंकि कहानियां मोस्टली काल्पनिक हैं या कुछ ना कुछ अतिशयोक्ति के आधार पर हैं, वो भी बताऊंगा आपको। तो वो सातवें दिन उनके किसी गुप्तचर ने कहा कि बुद्ध ने कहा है कि सातवें दिन आप मर जाओगे सीढ़ियों से गिर कर। तो उसने अपने जितनी भी सीढ़ियां थी वो सारी वहां से हटवा दी और सेवकों को कहा कि वो सातवें दिन अगर किसी सीढ़ी पर चढ़े भी तो उसको पकड़ लेना, रोक लेना, सीढ़ी पर मत चढ़ने देना, ना मैं सीढ़ी पर जाऊंगा ना मैं मरूंगा। वो इस बात को लगातार देखते रहे। सातवें दिन जो घोड़े हैं राजकीय वो हिनाए और एक घोड़ा बेकाबू हो गया, बहुत ज्यादा उधम मचने लगा। सुपुब्ध घोड़े को अच्छी तरह से संभाल लेते थे इसलिए वो घोड़े की तरफ भागे और घोड़े ने उनको बताते हैं कि पटकी मारी और वो सीढ़ियों से गिरकर मर गए। कहानी यहां पे दी एंड हो गई। पहली बात तो बुद्ध ने कभी किसी का जीवन में कभी कोई बुरा चाहा ही नहीं। बुद्ध तो करुणा के सागर रहे। अगर कोई बुद्ध और कोई अर्हत अगर किसी का बुरा सोचता भी है, मन में भी है, तो ना तो वो बुद्ध रहेगा ना वो अर्हत रहेगा। इसलिए ये कहानी झूठी है कि सीढ़ियों से गिरने के लिए बुद्ध ने कहा। हो सकता है कि उन्होंने कहीं ऐसा लगा हो कि ये शराब पीता है या ये सीढ़ियों से गिरेगा या मरेगा, कोई बात कही हो, मगर बुद्ध कभी अपने मन से किसी को ऐसा नहीं कहेंगे। ना ही वो किसी की मृत्यु के बारे में बात करते हैं, ना ही कोई उनसे पूछता है, और खासतौर से अगर उनके ऊपर हो तो बिल्कुल नहीं बोलते। यानी कोई पूछने आए तो पूछे, अगर बुद्ध का रास्ता बदला है तो बुद्ध कभी नहीं कहेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। वो अपना काम करते हैं, उन्होंने जीवन भर अपना काम किया, किसी के काम में टांग नहीं अड़ाई। कोई मरता है तो मरे, जिए तो जिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अपना काम करना है, लोगों को सिद्ध करके शुद्ध करके आगे करना है। दूसरा, सुपुद्ध क्यों उनका रास्ता रोकेंगे और क्या कारण है? खामे खाई कोई किसी का रास्ता क्यों रोकेगा और बुद्ध क्यों उनके रास्ते में आएंगे? क्योंकि बुद्ध का रास्ता अलग होता है और उनका रास्ता अलग होता है। मान भी ले सकते हैं कि अगर रोका हो या ना रोका हो, बात नहीं। मगर यहां जो गाथा है, गाथा कुछ और कहती है। गाथा क्या कहती है? न अंत लिखे न समुद्र मध्ये न पब तानंग विवरंग पविष्य न विजति सो जगति पदेशो यत्तिठंग नप सहे मच्छु। ये गाथा और 127 नंबर की गाथा दोनों लगभग एक सी हैं। एक शब्द सिर्फ बदला है इसमें, यानी कि ना तो अंतरिक्ष में, ना समुद्र के मध्य यानी बीच में, ना पब तानंग विवरंग पविष्य, ना ही किसी पर्वत की दर्रा के बीच में प्रवेश कर छुपकर, न विजति सो जगति प्रदेशो यानी इस जगत के प्रदेश में ऐसी कोई जगह विद्यमान नहीं है। यत्तिठंग नप सहे मच्छु, यत्तिठंग नप सहे मच्छु का मतलब है जिस स्थान पर आपको मृत्यु दबोच ना ले, यानी कि मृत्यु आपको हर जगह दबोच लेगी। ये जो इसमें एक शब्द है न पसे है, यानी न पे सहे, सहे का मतलब है जैसे असहनीय होता है, असहनीय में से अगर सहनीय हटा दें तो यहां असहनीय का मतलब है कि वो सहन नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी हालत में वो जो से का मतलब होता है वो होता है बलात् और जबरदस्ती, यानी कि वो बलात् होगी या जबरदस्ती होगी और मच्छू आपको लेके ही जाएगी। अगर आपने कहीं भी कोई काम ऐसा किया है और आप उसमें छुपना चाहते हैं, आगे भगवान बुद्ध ने जो देशना में बताया वो बताया कि जो मच्छु होती है, मृत्यु होती है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, एक कच्ची होती है और एक पक्की होती है। कच्ची जो मृत्यु होती है वो आती है जब आपका या तो पहले से ही आपका जो मन आया है शरीर में, यानी जहां से आपने जन्म लिया है, वो पहले से ही बीमार है या पहले से ही खराब है या पाप से भरा हुआ है, और या आपने इस जीवन में बहुत ज्यादा पाप किए हैं, आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, तब आपकी अकालिक मृत्यु या अनैसर्गिक मृत्यु या यानी जो अप्राकृतिक मृत्यु है वो मृत्यु आपकी आएगी। अगर आपने सभी काम ठीक किए हैं, आपने पुण्य कमाया है, आपने
पुराने भी जो पाप हैं उनको भी हटाया है विपस्सना साधना करके, तो फिर आपकी मृत्यु नेचुरल मृत्यु होगी, पक्की मृत्यु होगी, और समय आने पर जब आपका शरीर बूढ़ा होगा तब होगी। तो कच्ची मृत्यु और पक्की मृत्यु के जो कारण हैं वो भगवान बुद्ध ने बहुत बार बताए हैं। कोई व्यक्ति जो ऐसा में मरता है वो अपने कारण से ही मरता है, कोई उसका और कोई कारण ऐसा नहीं है। कोई ये कहे कि जी इसका तो इतनी ही लिखी थी या उतनी ही लिखी थी, वो खुद ही लिखता है, कोई मनुष्य की कहीं से लिख के नहीं आती है। अगर आदमी अभी जहर खा ले तो अभी लिख जाएगी उसकी मृत्यु, और अगर जहर को ना छुए तो उसकी मृत्यु नहीं लिखी जाएगी। अगर जैसे आज के समय में कोरोना की महामारी है, कोरोना के अस्पताल में घूमेंगे तो कोरोना आएगा ही आएगा, फिर आपकी मृत्यु आने के चांस बढ़ जाएंगे, और कोरोना से दूर रहेंगे, सावधानी बरतेंगे तो मृत्यु के होने के चांस दूर रहेंगे। इसलिए कच्ची मृत्यु और पक्की मृत्यु बहुत बार बताई गई है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.